सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन आई है इस साल के लिए 23-24 के लिए, उसमें 6 मास की जो है रिलैक्सेशन देते हुए, वो 5.5 साल है अब की बार, वो 6 नहीं है, आगे 24-25 के लिए वो 6 साल का बच्चा एडमिशन होना चाहिए 1 अप्रैल को। 6 साल के बच्चे के लिए कौन सी क्लास के लिए एडमिशन के लिए? फर्स्ट क्लास के लिए। अगर 6 साल का बच्चा, उसको कट ऑफ द डेट क्या माना गया है? 1 अप्रैल एडमिशन की डेट। अगर 1 अप्रैल को वो 6 साल का कम्प्लीट नहीं होता तो नहीं, उसके अनुसार लेटर का तो यही है। अगर वो ऐसे में कोई स्कूल देता है तो MAS पोर्टल पे उसका नाम दर्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, फिर तो दर्ज नहीं हो पाएगा ना MAS पोर्टल पे, तो वो तो जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार ही दाखिला होगा बच्चे का। उसमें सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन आई है इस साल के लिए 23-24 के लिए, उसमें 6 मास की जो है रिलैक्सेशन देते हुए, वो 5.5 साल है अब की बार, वो 6 नहीं है, आगे 24-25 के लिए वो 6 साल का बच्चा एडमिशन होना चाहिए 1 अप्रैल को। 6 साल के बच्चे के लिए कौन सी क्लास के लिए एडमिशन के लिए? फर्स्ट क्लास के लिए। अगर 6 साल का बच्चा, उसको कट ऑफ द डेट क्या माना गया है? 1 अप्रैल एडमिशन की डेट। अगर 1 अप्रैल को वो 6 साल का कम्प्लीट नहीं होता तो नहीं, उसके अनुसार लेटर का तो यही है। अगर वो ऐसे में कोई स्कूल देता है तो MAS पोर्टल पे उसका नाम दर्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, फिर तो दर्ज नहीं हो पाएगा ना MAS पोर्टल पे, तो वो तो जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार ही दाखिला होगा बच्चे का। उसमें सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन आई है इस साल के लिए 23-24 के लिए, उसमें 6 मास की जो है रिलैक्सेशन देते हुए, वो 5.5 साल है अब की बार, वो 6 नहीं है, आगे 24-25 के लिए वो 6 साल का बच्चा एडमिशन होना चाहिए 1 अप्रैल को। 6 साल के बच्चे के लिए कौन सी क्लास के लिए एडमिशन के लिए? फर्स्ट क्लास के लिए। अगर 6 साल का बच्चा, उसको कट ऑफ द डेट क्या माना गया है? 1 अप्रैल एडमिशन की डेट। अगर 1 अप्रैल को वो 6 साल का कम्प्लीट नहीं होता तो नहीं, उसके अनुसार लेटर का तो यही है। अगर वो ऐसे में कोई स्कूल देता है तो MAS पोर्टल पे उसका नाम दर्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, फिर तो दर्ज नहीं हो पाएगा ना MAS पोर्टल पे, तो वो तो जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार ही दाखिला होगा बच्चे का। उसमें सरकार की तरफ से जो डायरेक्शन आई है इस साल के लिए 23-24 के लिए, उसमें 6 मास की जो है रिलैक्सेशन देते हुए, वो 5.5 साल है अब की बार, वो 6 नहीं है, आगे 24-25 के लिए वो 6 साल का बच्चा एडमिशन होना चाहिए 1 अप्रैल को। 6 साल के बच्चे के लिए कौन सी क्लास के लिए एडमिशन के लिए? फर्स्ट क्लास के लिए। अगर 6 साल का बच्चा, उसको कट ऑफ द डेट क्या माना गया है? 1 अप्रैल एडमिशन की डेट। अगर 1 अप्रैल को वो 6 साल का कम्प्लीट नहीं होता तो नहीं, उसके अनुसार लेटर का तो यही है। अगर वो ऐसे में कोई स्कूल देता है तो MAS पोर्टल पे उसका नाम दर्ज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं, फिर तो दर्ज नहीं हो पाएगा ना MAS पोर्टल पे, तो वो तो जो कट ऑफ डेट दी गई है उसके अनुसार ही दाखिला होगा बच्चे का।